लगना चाहिए यार, लखनऊ में खड़ा हूँ तो लखनऊ लोगों से मिल रहा हूँ। उस कंपनी का नाम कोई स्पीक एशिया करके कोई कंपनी था, वहां बैठे हो, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। क्योंकि कहते हैं किसी को अगर सुनाना है ना तो उससे पहले सुनना पड़ता है। मयूर चौधरी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ओके, लखनऊ वैसे बोलते बहुत प्यार वालों का शहर और गुस्से वालों का भी है। आवाज में वैसे भी बहुत दम होता है, एक्चुअली पॉलिटिकल्स यहाँ से ही ज्यादा आते हैं डेफिनेटली, बट ऐसा लग नहीं रहा है। मैं आज आपको कुछ सक्सेस स्टोरी बताने के लिए बताने जा रहा हूँ। एक्चुअली सक्सेस स्टोरी जिसे हम लोग कह सकते हैं, पता नहीं, आई थिंक उसे सक्सेस कहा जाता है, बट डेफिनेटली आपके लिए भी होगा। दो से तीन घंटे की मूवीज देखते हैं हम लोग, पैसे देख करके देखते हैं, मजा आता है। बहुत सारी चीज़ें होता है, नहीं बहुत सारी चीज़ें होती है उस मूवीज़ में, आपने अक्सर देखा होगा, उस मूवी में अक्सर ही देखा जाता है, होता बहुत सारी चीज़ें है, थ्रिलिंग होती है ना, गॉसिप्स होती है, उस हीरो के साथ में कितना बुरा बुरा किया जाता है, फिर भी उठता है, एक हीरोइन मिल जाती है लाइफ में, फिर उसके साथ में मतलब ऑलमोस्ट ऐसी सारी चीज़ें हैं, थ्रिलिंग एक्शंस, हैप्पीनेस एंड ऑल सारी चीज़ें, बस सेम मेरे साथ भी वैसी है। सक्सेस अगर हम बात करें तो डेफिनेटली सक्सेस सुना से पहले एक्चुअली क्या होता है ना, मेरी आदत है एक्चुअली ठंडे माहौल में मेरे को ना ठंडी में भी गर्म चाय पीता हूँ और गर्मी में भी गर्म चाय पीता हूँ, तो हर समय मेरा गर्माहट रहे तो ज़्यादा मजा आता है, क्योंकि खुद में उबाल होगी ना तो क्या होगा ना, कुछ भी काम कर पाएंगे, क्योंकि दूध उबलता है तभी तो मलाई छोड़ के जाता है ना। यस और नो? यस और नो? यस और नो? लगना चाहिए यार, लखनऊ में खड़ा हूँ तो लखनऊ लोगों से मिल रहा हूँ। इस तरीके से ठंडा ठंडा चलेगा तो कैसा मजा आएगा, ताली भी बजा रहे तो ऐसा लग रहा है कि भाई ताली बजा रहे, अरे ताली क्यों बजा रहा है, बजाना तो दिल खोल के बजाना भाई। जोरदार ताली हम सब लोगों के लिए। कुछ प्रेजेंटेशंस नहीं, मैं आज आपको कुछ ऐसे स्टोरीज बताने जाने वाला जो सक्सेस स्टोरी की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली इट्स रियली ग्रेट फॉर, अच्छा मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा ग्रेट है, लेकिन आप लोगों के लिए बहुत अच्छी हो सकती है। एक बात है, मेरी सक्सेस स्टोरी सुनना चाहते हो आप लोग? चलिए, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाला और यहाँ पे आ जाया। लेकिन जाते जाते आपको एक बात बता दूँ, ऑलमोस्ट मैं आपके साथ कुछ घंटे, उसके बाद पता नहीं हमारी मुलाकात कब होगी नहीं होगी, लेकिन ये हो सकता है कि जाने के बाद आपके लाइफ में कुछ ना कुछ तो बदलाव हो सकता है। yes. Yes. पता नहीं अच्छा बुरा हो, जो भी हो, मैं दोनों तरफ से चाहता हूँ। हाँ, मैं दोनों तरफ से चुहाता हूँ, इधर से प्यार से भी देता हूँ, इधर से भी देता हूँ, आदत है सर, क्योंकि बटर को क्या होता है ना, एक्चुअली क्या होता है ना, बर्गर खाना है ना तो ऊपर से भी दबाओ, नीचे से भी दबाओ, बीच में मसाला डालो ना, तब मजा आता है खाने में। यस और नो? तो दोनों तरफ से बजाओ, वो तबले को भी होता है ना, दोनों तरफ से बजाते हो तो आवाज भी वैसी आती है ना, तो दैट्स इट, क्या होता है ना, इंसान को भी दोनों तरफ से दबाओ ना तो वो प्रेशर होकर के कहीं ना कहीं फिर कुछ ना कुछ बेटर ही निकलता है। यस और नो? यस और नो? ओके, सो मैं आज आपको अपनी सक्सेस स्टोरी के बारे में तो बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक बात बताना चाहूंगा, आर यू एक्साइटेड? लग तो नहीं रहा है। आर यू एक्साइटेड? क्योंकि क्या होता है ना, मेरे को सुस्तपना पसंद नहीं आता है, क्योंकि सुस्तपने से कभी नींद लग जाती है, वैसे भी लखनऊ में ठंडी बहुत पड़ती है, सुनने मिला है। नहीं है क्या? ठंडी में ठंडी पड़ती है ना, पड़ती नहीं पड़ती है, तो ठंडा मत जाओ, अभी तो गर्मी चल रही है, गर्माहट निकालो थोड़ा सा, सुनने मजा आ गया, सारी चीज लगे कि हम लोग यहाँ पे बैठे हुए कुछ प्रोग्राम अटेंड करने हैं। नाम की अगर बात करो तो नाम मयूर चौधरी, 2011 में MBA कंप्लीट किया था। MBA कंप्लीट करने के बाद SDFC बैंक, नाम सुना होगा आप लोगों ने। ओके, वहाँ पे एज अ कार्यरत था, एज SO, बहुत सारी कोशिश करूँगा कि हिंदी में वार्तालाप करें वहाँ से, क्योंकि लखनऊ में आए हुए तो डेफिनेटली हिंदी ज़्यादा यूज़ करूँगा, इट्स गुड फॉर मी एंड ऑल समथिंग। यस और नो? ओके, तो 2011 MBA कंप्लीट, SDFC बैंक में ज्वाइन किया था। बिजनेस आई थिंक सो डायरेक्ट सेलिंग एंड नेटवर्किंग कंपनी से कभी दूर दूर से पाला नहीं, लेकिन जो पाला पढ़ने के लिए आया करते थे उनको हम दूर भगा दिया करते थे, उनसे एक ही कहा करते थे, देखो यार दोस्ती यार ये अपनी जगह पर, लेकिन ये प्रोडक्ट बेचना और ये सारी चीज़ें ना, कभी इंश्योरेंस, कभी जूते चप्पल, कभी तुम कपड़े बेच देते हो, कभी कुछ कर देते हो, फलाना, ये हमसे नहीं जमता है। हम ठहरे इज्जतदार लोग, अक्सर हम लोग कहते हैं सारी चीज़ें। तो ये 2012 की बात है, उस समय एक बहुत बड़ा भूचाल मचा था, एक
उस इंडस्ट्री में एक बहुत सारी कंपनी बहुत गंदे तरीके से डूबी थी और लोगों ने बहुत पैसा लगाया था। उस कंपनी का नाम कोई स्पीक एशिया करके कोई कंपनी था, उस वजह से बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई थी, तो उस वजह से और भरोसा नहीं आता था। लेकिन एक्चुअली हुआ क्या, मैं आज आपको जो बताने जा रहा हूँ ये 100% मेरे साथ हुई घटना है, जिसमें से कुछ याद होगी वो बताऊंगा, जरूरी नहीं कि कुछ याद नहीं हो किताब में लिखी हुई और आपको बता दूं, डेफिनेटली ऐसा कुछ नहीं हो सकता है क्योंकि स्टोरी है, हो सकता है बहुत जल्दी आपके साथ में आपको समझ में आ जाए। लेकिन एक बात याद रखना, ये जो आपको जो स्टोरी बता रहा हूँ ये स्टोरी सेम आपकी भी हो सकती है, क्योंकि आप में और मुझ में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा डिस्टेंस का फर्क है। आज आप वहां बैठे हो, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। क्योंकि कहते हैं किसी को अगर सुनाना है ना तो उससे पहले सुनना पड़ता है। यस और नो? यस और नो? वो कहते हैं अगर आज किसी के लिए ताली बजा रहे हैं तो कल हमारे लिए भी कोई ताली बजाएगा। yes. इस स्टोरी को एंजॉय करना, क्योंकि ये आपकी अपनी स्टोरी है। अगर पड़ोसी का समझोगे तो सिर्फ तकलीफ होगी, क्योंकि क्या होगी ना उसमें जलन ज्यादा होगी। ये आपकी अपनी स्टोरी है, समझिए। आपका बेटा, आपका भाई, आपका ऑलमोस्ट हम लोग बात कर सकते हैं, जो है यहाँ पे वो स्टोरी बता रहा है उसको समझने की कोशिश आप करना, क्योंकि आपको जब कोरिलेट करोगे उसके साथ में तो आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा और बहुत अच्छा लगेगा कि नहीं यार ये स्टोरी सुनकर के मुझे बहुत ज्यादा मजा आ गया। जब जॉब ज्वाइन किया था उस टाइम पे मम्मी को एक प्रॉब्लम हुई थी जिसे हम गायनिक प्रॉब्लम्स कहते हैं, और आज की तारीख में गायनिक प्रॉब्लम्स में यूटेरस की प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा कॉमन होती है, जिस वजह से डॉक्टर के पास जब वो लेडी जाती है तो उसको डॉक्टर्स कहता है कि आपको यूटेरस निकालना होगा, और वो यूटेरस निकालना होगा तो उसके लिए डॉक्टर्स 25,000 से 40,000 रुपए ले लेते हैं। सेम हुआ क्या था ना, वही किस्सा बड़ी मम्मी के साथ में हुआ और उसके बाद में वही किस्सा मम्मी के साथ होने जा रहा था। लेकिन हमने जब बड़ी मम्मी के हालात देखे कि वो यूटेरस निकालने के बाद वो डे बाय डे कमजोर होते जा रहे हैं और उनकी प्रॉब्लम्स बढ़ते जा रही है, तो हमने सोचा कि मम्मी की अगर यूटेरस को निकाल दिया जाए तो मम्मी की प्रॉब्लम्स भी बढ़ जाएगी, तो करें क्या। हम लोगों ने डॉक्टर्स पे डॉक्टर्स छान मारना शुरू किया। कम से कम 8 से 9 डॉक्टर्स को हम लोगों ने दिखाया, उसमें से कुछ डॉक्टर्स की मेडिसिन चलती रहती थी, ऑलमोस्ट उस मेडिसिन को कंटिन्यू चलते रहते। इसी बीच में हम ये बातें करते हैं कहीं बैठे हुए दोस्तों के साथ में, इसी बीच में हम जाते हैं दोस्तों के बीच में तो बताते हैं कि यार ऐसे ऐसी फलाना प्रॉब्लम चल रही है, तो दोस्त सजेस्ट करते। मेरा एक फ्रेंड है जिनके पापा मिस्टर जयशंकर त्रिवेदी आज वेस्टीज के नियर अबाउट DCD है ऑलमोस्ट, उन्होंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था ऑलमोस्ट 2011 में। उन्होंने मुझे इस प्रोडक्ट्स के बारे में बताया, मेरा फ्रेंड है, मैंने उस पर ट्रस्ट बिल्कुल नहीं किया क्योंकि दोस्त है, क्योंकि दोस्त पे ज़्यादा भरोसा नहीं करते ना। सेम मैंने भी नहीं किया, आप भी नहीं करते हो, तो मैं भी नहीं किया ऑलमोस्ट, मैंने कहा था ना मैं सेम है ना, तो भरोसा नहीं किया। लेकिन उसने पापा के सामने ले जाके बिठा दिया, तो हुआ क्या, अब अंकल बड़े ठहरे, उनको ना तो नहीं कह सकते, लेकिन उनको एक बात मैंने कहा कि अंकल एक बात बताइए, मैं ऑलरेडी मॉम्स को अपने मार्केट से एलोपैथिक मेडिसिन दे रहा हूं, उसके बाद में वो खत्म हो जाती तो उसके बाद में मैं आपके प्रोडक्ट को शुरू करवा सकता हूं। तो उन्होंने उस बात पर मुझे एक बहुत अच्छा आंसर दिया जो मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने एक बात मुझे पूछी, बेटा एक बात बता, जब कोई तुम्हारा बीमार होता है जब उससे मिलने जाते हैं हॉस्पिटल तो क्या लेकर के जाते हो? फ्रूट्स लेके जाता हूँ, जूस लेके जाता हूँ, यस और नो? सेम है, मैं भी तो देखो फ्रूट ही दे रहा हूं। अब देख देखो नोनी जो बता रहा हूं ना, ये नोनी फ्रूट है, पाइनएप्पल की तरह दिखने वाला, साइनामाइल फ्लूड, सॉरी इसको हम लोग मोरिंडा सेट्रोफिला कह जाते हैं, और नियर अबाउट फ्रूट्स क्या है, फ्रूट से बनी कैप्सूल। अब हम कैप्सूल में क्यों बनाया उसको भी बताता हूं देखो, अगर मैं देखो इसको अगर डायरेक्ट फ्रूट देखो बोलता लाने तो तू डेफिनेटली उतने दूर नहीं जाता, गर्म देश भाग में जाकर के कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट ढूंढ के लाता, तब तक ये बहुत पैसा खर्च हो जाता। सेकेंड थिंग हमने क्या किया, उसको थोड़ा सा सुखा दिया ऑलमोस्ट, उसको साइंटिस्ट के थ्रू उसके ऑलमोस्ट उसका अर्क निकाल के उसका कैप्सूल फॉर्म में बना दिया। पाउडर भी बनाते, ज्यादा समय तक नहीं चलता, 30 दिन के अंदर खत्म हो जाता है, वो करना ही होता है, अदर नहीं तो फंगस उसमें लग जाते हैं और प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। तो उन्होंने बताया इस वजह से हम लोगों ने इसको कैप्सूल्स में डाला। अब ये नोनी जो है, नोनी फ्रूट था तो उसका नाम था नोनी फ्रूट, लेकिन जब नोनी कैप्सूल में आ गई तो नाम क्या हो गया, नोनी कैप्सूल। एक ही तो चीज है, इसको पहले हम डायरेक्ट खाते थे, अभी इसको थोड़ा सा कैप्सूल के थ्रू खा रहे। तो
तब उस समय थोड़ी सी बात समझ में आई और लगा कि नहीं है इट्स गुड, तो चलो मैंने उस समय मॉम को वो प्रोडक्ट्स स्पिरुलिना और नोनी दो प्रोडक्ट्स देना शुरू किया।